और राजनीति शास्त्र के पन्ने खोलें, हम देख लेते हैं कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष सीनियर कांग्रेस लीडर डॉक्टर गोविंद सिंह ने क्या कुछ कहा, आरोप लगाए, देखिए। मध्य प्रदेश शासन के करोड़ों के भ्रष्टाचार जो माननीय शिवराज सिंह सरकार में हुए हैं, उन भ्रष्टाचार के दस्तावेज को दबाने के लिए वर्तमान सरकार के इशारे पर बल्लभ भंड सचिवालय में आज सुबह आग लगवाई गई। ये आग पूरी तरह फैली है। जो करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ था, उनके सब दस्तावेज जलाने का काम हुआ है। हमारे लोकायुक्त महोदय से अनुरोध है कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जांच करके कार्रवाई करें, दोषियों को दंडित करें। तो आपने देखा कि ये बड़ी खबर, और अब हमें जया बताएंगी कि क्या मायने हैं, आखिर आग क्यों लगती है। बंसल न्यूज के जो सवाल हैं, उन सवालों से आप रूबरू करा रही हैं। बिल्कुल सर, और सवाल इसलिए क्योंकि पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश के किसी सरकारी इमारत में इस तरह से भीषण आग लगी हो। 11 जून की तारीख आपको याद होगी जब वल्लभ भवन में आग लगी, उसके बाद फरवरी में वो आग एक बार फिर से धधकने लगी थी, और अब तीसरी बार यहां पर आग लगी है। तो कुछ सवाल है, वो सवाल देखिए आपके सामने है। लापरवाही को लेकर आग पर आखिर काबू कब तक पाया जाएगा, लेकिन बहुत कोशिशें हो चुकी है और काफी हद तक काबू पाया गया है। कितने लोग आग में फंसे हैं, 5 लोगों के फंसे होने की जानकारी थी, लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि उन कर्मचारी को बाहर निकाल लिया गया। सरकारी दफ्तरों में आखिर बार बार क्यों आग लगती है, और महत्वपूर्ण दस्तावेज इस आग की चपेट में आए हैं, मंत्रालय में आग कैसे लगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल। हालांकि ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट, लेकिन लापरवाही किसकी थी, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि पिछली बार की जांच रिपोर्ट मुझे याद है जी। तब तत्कालीन जो ACS थे राजेश राजौरा जी, तत्कालीन जो गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे, उनकी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि काफी सारा कबाड़ उस फ्लोर पर रखा गया था। चूंकि अब ये पुरानी बिल्डिंग है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स नई NXC में शिफ्ट हो गए हैं, तो दरअसल अब मुझे ऐसा लगता है कि ये कबाड़ की तरह यूज हो रही है। इससे अच्छा ये है कि इसे डिमोलिश करके इसकी जगह एक नई बिल्डिंग तैयार की जाए जो आधुनिक फायर फाइटर्स इक्विपमेंट से लैस हो, क्योंकि आप अगर वहां ढेर सारा लकड़ी का फर्नीचर, ढेर सारा कागज, ढेर सारी पुरानी फाइलों का सामान रखेंगे तो ये आग भड़काने में सहायक ही सिद्ध होगा। और शायद ऐसा ही इस बार भी हुआ, जो जांच रिपोर्ट हमें बताएगी कि वास्तविक बात क्या है। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।